वही चल रहा है जो हमेशा से चलता आ रहा था। हम खैर, आज हम अपनी शिकायत लेकर नहीं आए थे, पर क्या करें, घाव इतने ज्यादा हैं कि आह तो निकल ही जाती है। वैसे हम ये सारी बातें सबसे करते भी तो नहीं है। आज हम अपने बेटे और पति के लिए शुभकामनाएं मांगने आए हैं। हे ईश्वर, हमारे पति और हमारे बेटे को लंबी आयु दीजिएगा। और थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए जिससे वो दूसरों की भावनाओं को समझ सके। अकेले लड़ते लड़ते थक चुके हैं हम, अब आपको हमारा सहारा बनना ही होगा। हमारा विश्वास टूट जाए इससे पहले उम्मीद की एक किरण दिखा दीजिए भगवान। आज हमारे बेटे का बर्थडे है, आपको जरूर शामिल होना है। वो हमारा राजा बेटा है और आपके आए बिना बर्थडे नहीं होगा। आप आइएगा जरूर। देखो, जेठ जी के आने के बाद का करना है और का नहीं करना है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बसा ले, नहीं तो तुम सब सीख तो जाओगे लेकिन जेठ जी की लात खाने के बाद। कहा है कि उनके सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। और एक बात और ध्यान से सुन लो, कोई भी बात अगर तुम्हारे दिमाग से निकल गई ना तो हमारे सामने कोई रोने नहीं आवेगा, है? और एक बात, अब हर कोई इस घर में दबे पांव चलेगा। हाँ, लेकिन तेज, धीरे नहीं, पैरों की आवाज नहीं आनी चाहिए बस। और कोई भी उनके सामने तन के नहीं खड़ा होगा, नहीं तो 2 मिनट में तोड़ के धनुष बना देंगे। अब पानी तांबे के गिलास में जाएगा, स्टील के नहीं, नहीं तो फेंक के मारेंगे तो खोपड़ी टूट जाए, और कांच के गिलास में तो बिल्कुल ही नहीं। और कमरे में जो है ना कूलर चलेगा, एसी नहीं। और मोंगरे के फूल से उनका स्वागत होना चाहिए। झुमकी तुम सुन लो, बाथरूम में ना सवेरे सवेरे दातून रखना मत भूलना। सारे घर में कहीं म्यूजिक नहीं चलना चाहिए, कहीं नहीं। और जे तुम सब लोगों के मोबाइल है ना, सब स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट पे डाल दो, है? क्यों दादी, ताऊजी रावण है क्या? बोलो ना दादी। हाँ बिटिया, जहर की पुड़िया है, रावणी रावण के भी बाप है, तुम तो बच के ही रहना उनसे, है? हाँ मंदिरा, दाऊ जी ऋषि दुर्वासा हैं, गुस्सा है तो भस्म कर देंगे। हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पास हमारे प्यारे चाचू हैं ना, आने दो उनको, शांति शांति कहने लगेंगे। कुछ भी बोलती रहती है ना, चुप रहे जरा। वैसे मंदिरा को देखकर तो भाई साहब भी घबरा जाएंगे। हाँ, टुईया भर की है लेकिन जबान हाथ भर की है। देखना पापा, ताऊ जी आते ही सबसे पहले इसी की हजामत बनाएंगे। अब तुम सब लोग जाओ, लग जाओ काम पे। आप ज्यादा ना हंसिए, नहीं तो आपकी भी खबर ले लेते हैं वो महान आत्मा। हमारी जिंदगी तो दूभर होवे वाली है अब। हाँ कंचन, हाँ अजी, जे जो बड़ी स्टाइल से अपना पल्ला फर्राती हुई फिर रही हो ना, उनके सामने जरा अपने सर पे ओढ़ लेना, नहीं तो अच्छे से सिखा देंगे वो तुम्हें लाज लिहाज। हाँ अरे माँ जी, हमें याद है, आप पहले अपना देखिए, अब आपको भी सर पे पल्ला लेके ताऊ जी के सामने बकरी की तरह मिमियाते रहना होगा। ठीक कह रही है भाभी आप, अब शेर पे सवा शेर आ रहे हैं। सचमुच बहुत सताए बड़े पापा ने माँ को। इतने साल में शशि ने यही तो फ्रस्ट्रेशन निकाला है, खुद शेर बनकर औरों को बकरी बनाने की कोशिश करती रही है।
मुझे छोड़कर। अरे पावर हाउस तो इनका तुम ही हो, तुम्हें कैसे बकरी बना सकती है। और माँ जी इस बार ना आप अपना पल्ला इतना भी आगे मत लेना, वरना उस बार की तरह आप अपने मुंह के बल गिर पड़ोगे। ए चुप करो, कुछ भी बोले जाती हो हैं? ऐसे सच कहे ना तो उनके नाम से हमें डर बहुत लग रहा है। अभी तो आए भी नहीं है, आएंगे तो जाने कहाँ होगा। सबसे आखिरी और जरूरी बात, उनके जूतों का आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा। उन्हें अपने जूते सबसे ज्यादा प्यारे हैं, जरा से भी गंदे हुए तो जीप से चटवा कर साफ करवाएंगे, बता रहा हूं।